हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल लर्न एंड मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आज अल्फावेट की पार्ट 10 वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं लेटर एस और टी की मदद से सिंपल वे में आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने यहाँ पे एक एस ड्रॉ करनी इस तरीके से, और अब आपको इस वाली लाइनिंग को बढ़ाते हुए 3 की शेप देनी है। देखो आप ध्यान से, मैं यहाँ पे 3 लिखी हूँ। और अब आपको यहाँ से दोनों साइड एक लाइनिंग करनी है सीधी, और इसे एक विंग्स की शेप देनी है इस तरीके से। ये हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत छोटे बच्चे हो, अगर आप इस वीडियो को ना समझ सक रहे हो, दिक्कत हो रही है समझने में, तो थोड़ी सी वीडियो स्लो करना। और अगर ये वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर अपने बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आए तो उनकी हेल्प कीजिए उन्हें समझाने में। तो ये बहुत सिंपल था। देखिए ये हो गई। अब मैं लेटर टी की मदद से एक ट्री बनाना आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको ट्री ड्रॉ करनी है, और नीचे की लाइनिंग इस तरीके से डबल करनी है आपको, और ठीक सेंटर से यहाँ से आपको जिग जैग करते हुए दोनों कॉर्नर को मिला देनी है इस तरीके से। ये हो गई। अब मैं इसे कलर करके दिखाती हूँ आपको। और अब आपको येल्लो कलर लेनी है, और धीरे धीरे पेंसिल की साइड साइड में इसी तरीके से आपको भी लाइनिंग करनी है। देखो आप, ये हो गई। और अब इसके अंदर में आपको कलर को फिल करनी है। मैं करके दिखा रही हूँ आपको, इसी तरीके से आपको भी करनी है। येलो कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ इसकी वीक कलर करने के लिए, और आप चाहो तो इसके जगह आप रेड भी दे सकते हो। और फिर इसी कलर से आपको विंग्स को भी कलर डालनी है, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से हल्के हाथों से आपको लाइनिंग करनी है। थोड़ी थोड़ी मैं बॉडी में भी इस तरीके से इस कलर को फैला दे रही हूँ। और अब आपको एक क्लॉथ लेनी है, और उंगली में उसे फोल्ड करके इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए आपस में कलर को स्मूथ करते हुए मिला देनी है। आप ध्यान देना फ्रेंड्स कि ये एक ही डायरेक्शन में करना आप इस तरीके से। ये हो गई। और अब आपको ब्लैक कलर लेनी है, और पूरी पिक को इस तरीके से बॉर्डर करनी है आपको भी। तो ये कंप्लीट हो गई बॉर्डर। और अब आपको थोड़ी सी यहाँ पे येलो कलर देनी है, और लाइनिंग ब्लैक भी मैं निकाल दी हूँ। देखो तो ये हो गई। और अब मैं आपको ट्री कलर करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए भी आप येलो कलर ही यूज़ करो। येलो से पूरी ट्री को इस तरीके से आप फिल करनी है आपको। तो ये येलो कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर लेके, जैसे येलो को आपने कलर किया था वैसे ही आपको ग्रीन को भी इसी के ऊपर इसी तरीके से कलर करनी है। तो आपने इसी तरीके से पहले लाइनिंग करनी है, और उसके बाद आप कलर को फिल करो। तो ये हो गई। और अब आपको फिर से इसी प्रोसेस में डार्क ग्रीन लेनी है, और इसी तरीके से आपको फिर से करनी है। बस थोड़ी सी ध्यान देना कि इस बार जो डार्क ग्रीन होगी वह वन साइड में थोड़ी सी ज़्यादा डार्क होगी। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको इसी तरीके से करनी है। देखो मैं वन साइड में थोड़ी सी ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। और अब ब्लैक से इसे बॉर्डर कर दो इस तरीके से। और नीचे में आपको यहाँ पे ब्राउन लेनी है, और इसे भी आप ब्लैक से बॉर्डर कर दो। तो ये हो गई। अब आप लाइट ग्रीन को लेके नीचे में थोड़ी सी ग्रास बनानी है, तो इसके लिए आप शेडो करके जिग जैग करते हुए ग्रास बना दो, और ब्लैक से इसे भी आप बॉर्डर कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल था। लेटर की मदद से बच्चे बहुत ईजी से बनाना सीख सकेंगे यहाँ पे। आपको एक ईयरबड लेनी है, और ब्लैक कलर को ग्रीन के साथ इस तरीके से मिलाते हुए थोड़ी सी मोटी करके फैलानी है। आप देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कैसे करनी है। तो देखो आप एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से खींचना लाइनिंग को। और जहाँ पे ब्लैक थोड़ी सी लाइट हो गई थी उसे डार्क कर देना वापस से। तो मेरी ड्रॉ ये कंप्लीट है फ्रेंड्स। मेरी कोशिश है कि बच्चे इजी से यहाँ पे ड्रॉ करना सीख सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।